जाने की तो फुल तैयारी हो चुकी है, बाकी बात देखते हैं एयरपोर्ट में क्या क्या चीज हमसे मांगा जाता है, कमाई करना है। तो चलिए लगेज डालते हैं गाड़ी में, भाई ने पूरा लगेज उठा लिया है, तो चलिए सफर का मजा लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ क्या क्या चीज़ एयरपोर्ट पे खोजा जाएगा, क्या क्या चीज़ आपको साथ में लेकर जाना चाहिए। जैसा कि ये सामान 30 किलो है, 30 किलो आप ले जा सकते हैं, अलग अलग टिकट पे रहता है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रास्ता का नज़ारा है, चलते हैं इसी रास्ता से। और आप लोगों को मैं बताता चलूँ, जैसा कि जो अल जज़ीरा एयरलाइंस का ये टिकट है, टिकट का जो प्राइस होगा मैं आप लोगों के साथ बता दूंगा, और दमाम एयरपोर्ट पहुंचते ही मैं आपके साथ क्लियर तौर पे समझाता हूं, बताता हूं, ताकि आपको भी देख सकते हो। मेरा दोनों तरफ का कैमरा चालू हो गया है, और ये सामने का कैमरा है और ये पीछे का कैमरा है, एक साथ में डबल सफ़र का मजा लो। घर जाने का यही मज़ा है, एक साथ में डबल डबल हम वीडियो कर रहे हैं। और ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से हैं और हम लोग जा रहे हैं। जाने की तो फुल तैयारी हो चुकी है, बाकी बात देखते हैं एयरपोर्ट में क्या क्या चीज़ हमसे मांगा जाता है और खोजा जाता है। बाकी बात कैसा भी तो जाना ही है, जाने का कोई टेंशन नहीं है अभी। बाकी बात कितना साल हो गया? मेरे को 3.5 साल में जा रहा हूँ। 3 साल और आधा, 6 महीने वो तो जाने वाला समझे, और जो इंतज़ार कर रही है वो समझे, हम लोग तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी बात इंतज़ार सबका है, धीरे धीरे सबका टाइम आएगा, आज हमारा तो कल तुम्हारी बारी है। धीरे धीरे इस दुनिया से भी जाना है और सऊदी से भी जाना है, और क्या, और क्या। तो आप देख सकते हैं मैं काफ़ी करीब आ चुका हूँ दमाम एयरपोर्ट के, ये बाहर बिल्डिंग है और जो सामने दिखाई दे रही है ये मस्जिद है, और यहाँ पे पार्किंग भी बहुत बड़ा बनाया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है दमाम एयरपोर्ट, तो ये बड़ा एयरपोर्ट में गिनती आता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा टर्न होकर आए हैं, यानी हमको ऊपर जाना चाहिए लेकिन हम डायरेक्ट नीचे से आ गए, तो फिर से घुमा कर जाना पड़ रहा है एयरपोर्ट के ऊपर वाले रास्ते में, यानी जो लोग जाते हैं तो ऊपर से जाते हैं और आते हैं जो नीचे से आते हैं, यानी उसको लोग नीचे जाते हैं रिसीव करने के लिए, तो ड्राइवर कन्फ्यूजन में यानी मिस्टेक से ये डायरेक्ट नीचे से आ गया किसी को लेने के लिए, ऐसा इसको समझ में आया। तो चलिए हम फाइनली ऊपर आ चुके हैं और डायरेक्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ आपको रखना चाहिए। तो देख सकते हैं मेन दरवाज़ा ऊपर का आ चुका है, और आप लोग थोड़ा सब्र करें, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिए, घबराए नहीं। तो फाइनली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग भी सऊदी अरब से अपने देश छुट्टी में जाना चाहते हैं, काफ़ी भाइयों का सवाल रहता है कि भाई एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ हमें लेकर जाना होगा, तवक्कलना की ज़रूरत है या नहीं है, सेहती की ज़रूरत है या नहीं है, PCR टेस्ट कराना जरूरी है या नहीं है, एयर सुविधा फॉर्म भरना जरूरी है या नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में फाइनली बता देता हूं, ताकि जो लोग भी सवाल करते रहते हैं कन्फ्यूजन में है कि भाई क्या क्या चीज़ वहां पे लगता है, आपने वैक्सीन लगवाया है या नहीं लगवाया है, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं भाई हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक आदमी को एयरपोर्ट छोड़ने गया था दमाम एयरपोर्ट से डायरेक्ट इंडिया दिल्ली, और टिकट कितने का हुआ, कैसे वो लोग गए हैं, पूरा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एयरपोर्ट पे जाने के लिए तवक्कलना की ज़रूरत नहीं है, आप बिना तवक्कलना के एंटर कर सकते हैं, वहां पे तवक्कलना का कोई भी अपडेट नहीं, यानी कोई चीज़ चेकिंग नहीं है, आप बिंदास से एंटर कर सकते हैं। और जो लोग भी यानी PCR टेस्ट नहीं करा कर जाएंगे, तो PCR टेस्ट जरूरी है, और तवक्कलना का जो हेल्थ पासपोर्ट होता है और सेहती एप्लीकेशन का जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है यानी वैक्सीन का, तवक्कलना का इसका ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ PCR टेस्ट होना चाहिए 72 घंटे के अंदर का, आपको एंटर कर दिया जाएगा, वहाँ पे वही चीज़ खोजा जाता है, बाकी और चीज़ नहीं खोजा जाता है। मैं पूरा वीडियो वहाँ पे नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी इतना टाइट था, और जो गाड़ी लेकर गया था उसका अलाउ नहीं था वहाँ पे, तो उसने कहा भाई यहाँ से जल्दी निकलना है नहीं तो हम यहाँ पे रुकेंगे, तुम्हारे ऊपर गरम आ सकता है, इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया, ताकि आप लोगों को पूरा तरह से समझाया जा सके, बताया जा सके। लेकिन उनसे मैं बात किया तो उसने कहा यहाँ पे कुछ भी खोजा नहीं जाता है, एयर सुविधा फॉर्म भर लेना है अच्छा रहेगा, लेकिन
नहीं वहाँ पे वो चीज़ खोजा जाता है। यहाँ से जाने के लिए सिर्फ आपके पास PCR टेस्ट होना चाहिए और आप जा सकते हैं, और वहाँ पे जाकर आपका पूरा डिटेल्स भरा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तवक्कलना का हेल्थ पासपोर्ट यहाँ पे नहीं खोजा जाता है। सेहती का जो मेडिकल रिपोर्ट होता है वहाँ पे यानी एयरपोर्ट पे नहीं खोजा जाता है। और अगर आप उधर से आएंगे, अगर आप प्रिंट करा के रखते हैं कलर में, अच्छी बात है, लेकिन उधर से आएंगे तो उस एयरपोर्ट पे जहाँ से आप आएंगे यहाँ सऊदी अरब आने के लिए, तो उस एयरपोर्ट पे वो चीज़ खोजा जाता है। तो आप अपने पास वो पेपर को संभाल कर रखें, लेकिन जाने के लिए कोई टेंशन नहीं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है फिर भी आप यहाँ से जा सकते, सिर्फ आपको PCR टेस्ट कराना होगा जाने के लिए, तो ये याद रखें। और जो लोग भी सवाल करते हैं कि भाई इंडिया से सऊदी अरब या सऊदी अरब से इंडिया के लिए टिकट का जो प्राइस है वो कितना है, जिस भाई को मैं छोड़ने गया था उसका अल जजीरा एयरलाइंस का टिकट था, यानी दोनों तरफ का 1550 रियाल टिकट का प्राइस था, इधर से जाने का भी और उधर से आने का भी। तो आप इसे समझ सकते हैं, इसका जो 1550 है आप समझ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपया तक इंडियन होता है। लेकिन काफ़ी लोग जो एजेंट लोग होते हैं, दलाल लोग होते हैं, काफ़ी पैसा लूटते हैं लोगों से इंडिया से आने के लिए, यहाँ से जाने के लिए। खास करके अगर इंडिया से यहाँ पे आते हैं तो आपसे काफ़ी पैसा लूटा जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं, यानी 725 रियाल का एक तरफ का टिकट। सब एयरलाइंस का अलग अलग प्राइस होता है, लेकिन आप दलाल के जरिए टिकट बुक करते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ सकता है, और लोगों से काफ़ी ज़्यादा लूटा जाता है। जो एजेंट लोग होते हैं, दलाल लोग होते हैं, ये ज़्यादा पैसा लूटते हैं, कमीशन देकर किसी को, लोगों को फंसाते हैं। तो ये काम आप न करें, अच्छा रहेगा, आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो जो भी मेरे भाई घर जाना चाहते हैं दम्माम एयरपोर्ट से या सऊदी अरब से किसी भी एयरपोर्ट से, तो आप अपना PCR टेस्ट जरूर कराएं, उसके बाद अपने अपने देश का जो एयर सुविधा फॉर्म होता है आपको भरना होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं खोजा जाता है, अगर आप अपने देश में जाएंगे तो वहाँ पे खोजा जा सकता है।